हमारा टॉपिक है एक्सम एल डॉम और एक्सम एल डोम में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एक्सम फाइल को लोड करके अब उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस उपर परफॉर्म करेंगे लाइक उसकी एडिटिंग मींस हम नई नोट्स क्रिएट कर सकें प्रीवियस नोट्स जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनको एडिट कर सकें अपडेट कर सकें विद डिफरेंट वैल्यूज़ एंड न्यू एलिमेंट्स तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि किस तरह से हम नोड वैल्यूज़ को गेट करते हैं गेट नोड वैल्यूज़ हमारा टॉपिक है और गेट नोड वैल्यू द नोड वैल्यू प्रॉपर्टी इज़ यूज़ टू गेट द टैक्स वैल्यू ऑफ अ नोड तो अगर आप एग्जाम्पल डो डोम में जब आप एग्जाम्पल फाइल को लोड कर लेते हैं तो आपकी एग्जाम्पल फाइल जो है बेसिकली डिफरेंट नोड्स में कन्वर्ट हो जाती है और ये बेसिकली एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तो हर नोड जो है उसको उसकी एक

एलिमेंट डू नॉट हैव अ टैक्स वैल्यू तो इस इसके बारे में आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि जब हम एक एक्सएमएल फाइल को डॉम में लोड करते हैं तो हर चीज़ जो हम टैग लगाते हैं एक्सएमएल फाइल में वो एज अ नोड क्रिएट होता है डॉम में या उस ट्री तो के अंदर तो ऐसी ऐसे एक्सएमएल फाइल के ऐसे कंपोनेंट्स जो कि बेसिकली टैग जो टैग्स हैं ये बेसिकली जब ट्री में कन्वर्ट होते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट नोड तो एलिमेंट नोड जो है उनकी अपनी कोई टैक्स वैल्यू नहीं होती तो एलिमेंट डू नॉट है टैक्स वैल्यू द टैक्स वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट नोड इज स्टोर्ड इन अ चाइल्ड नोड कॉल्ड अ टैक्स नोड और जो टैक्स के अंदर हम एलिमेंट टैक्स के या एग्जामल टैक्स के अंदर जो हम टेक्स लिखते हैं इनफैक्ट उनके लिए एक अलग से नोड क्रिएट होती है जिस नोड को कहा जाता है टैक्स नोड और वो डाटा बेसिकली टैक्स नोड के अंदर लोड होता है टू रिट्रीव द टैक्स वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट रिट्रीव द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स टैक्स नोड। तो अगर आप एलिमेंट टैग की वैल्यू जो है की को करना चाहते हैं, तो डॉम में इनफैक्ट आपको टैक्स नोट को पकड़ना पड़ेगा और उसकी टैक्स वैल्यू को रिट्रीव करना पड़ेगा तो इनफैक्ट आपको उस टैग की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम मैथड ये ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं बट इसकी ज़रूरत थी यहाँ पर द गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम मेथड रिटर्न्स अ नोड लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड टैग नेम अगर इसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग टैग नेम पास कर दें तो उस टैग से मिलते जुलते या उस टैग के एग्जैक्टली exactly जितने भी नाम हैं या उतने जितने भी टैग्स आपके एग्जिम्पल फाइल में ये रिटर्न कर देगा बेसिकली ये एलिमेंट्स रिटर्न करेगा रे रे टाइप के अपेयर इन द सेम ऑर्डर एज दे अपेयर इन द डॉक्यूमेंट ये इसकी एक डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है रिटर्न ऑल टाइटल एलिमेंट्स अंडर एक्स अगर हम एक्स शॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम टाइटल लिखते हैं तो इट मीन्स के जितने भी टाइटल के टैग्स हैं या टाइटल की एलिमेंट नोट्स हैं उनकी कुलेक्शन बेसिकली वो हमें रिटर्न हो जाएगी द चाइल्ड नोट प्रॉपर्टी चाइल्ड नोट प्रॉपर्टी रिटर्न लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स चाइल्ड नोट जिस एलिमेंट के ऊपर आप चाइल्ड नोट की प्रॉपर्टी आप लिखेंगे इट मीन्स कि उसके जितने भी चाइल्ड नोड्स हैं उनकी कलेक्शन रिटर्न हो जाएगी द फॉलोइंग कोड रिटीव द टेक्स्ट नोड ऑफ द फर्स्ट टाइटल एलिमेंट यहाँ पर आपको कोड स्नेपेट शो किया गया है स्लाइड पे जिसके जरिए हम ये देख सकते हैं कि एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर एक टैग है टाइटल उसको उसको उसका टेक्स्ट जो है हम रिट्रीव करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे तो एक्सम्बल डॉक डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम टाइटल जीरो इसका मतलब कि उस एग्जामल में टाइटल वो वाला टाइटल जो जीरो इंडेक्स पे एग्जस्ट करता है और एक्स डॉट चाइल्ड नोड उसको हमने एक्स में रखवा लिया था और एक्स डॉट चाइल्ड नोड और जीरो इसका मतलब उसके जो Uh, उसके अंदर जो चाइल्ड नोड्स हैं उसमें जो जीरो इंडेक्स पे जो uh, चीज़ पड़ी हुई है जो इंफॉमेशन पड़ी हुई है उसको हमने वाई में लोड करवा ली अगर हम वाई को अब डिस्प्ले करके देखें तो इनफैक्ट इसकी टैक्स वैल्यू टाइटल की टैक्स वैल्यू जो है हमें अपने ब्राउजर पर रिट्रीव हो जाएगी द नोट वैल्यू प्रॉपर्टी द नोट वैल्यू प्रॉपर्टी रिटर्न द वैल्यू ऑफ टैक्स तो नोट वैल्यू प्रॉपर्टी जो है बेसिकली वैल्यू ऑफ टैक्स रिटर्न करती है फॉलोइंग कोड रिटिव दैक्स वैल्यू ऑफ द टैक्स नोट ऑफ द फर्स्ट टाइटल तो यहाँ पर भी एक कोड स्निपेट है जिसके जरिए हम नोट वैल्यू uh, को एक्सिक्यूट करके देख सकते हैं एक्समल डॉक डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम टाइटल और स्क्र ब्रैकेट में ज़ीरो इट मीन्स कि एक्सम्बल डॉक्यूमेंट में जितने भी टाइटल हैं जो टॉप मोस्ट टाइटल है वो रिटर्न हो जाएगा उस वो एज अ एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा और एक्स डॉट चाइल्ड नोट जीरो और उस टाइटल के जितने भी चाइल्ड्स हैं उसमें से जो पहला चाइल्ड है वो वाई में रिटर्न हो जाएगा और वाई डॉट नोड वैल्यू उस टाइटल की जो पहला चाइल्ड था उसके जो कॉन्टेंट्स हैं वो बेसिकली जेड में लोड हो जाएंगे और उसके बाद अगर हम जेड को डिस्प्ले करवाना चाहें तो हम करवा सकते हैं यहाँ पर हम नोड वैल्यू डॉट एच टी एम एल के नाम से डेमो देखते हैं जिसमें ये कोड जो है हम प्रोसेस करके और देखते हैं कि किस तरह से कोड से ये रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट होती है तो हम डेमो देखते हैं और उसके बाद फिर इसको डिस्कस करते हैं हमारी बुक शॉट एक्सएमएल फाइल है और इसमें बेस एलिमेंट या रूट एलिमेंट जो है बुक स्टोर है और बुक स्टोर में हम देख सकते हैं कि मल्टीपल बुक्स के टैग लगे हुए हैं और हर बुक के टैग के अंदर जो है फर्दर डिटेल एग्जिस्ट करती हैं जैसे हर बुक की कैटेगरी है और हर बुक का चाइल्ड जो है टाइटल है ऑथर है ईयर है और प्राइस है इस एक्सएमएल फाइल को हम यूज़ करेंगे अपने डेमोन्स्ट्रेशन में और डेमोन्स्ट्रेशन है हमारी नोट वैल्यू डॉट एच तो आप देख सकते हैं ये एक एच फाइल है ये इसके एस के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग हैं इसी तरह से बॉडी का स्टार्ट और एंड टैग है और ये एक पैराग्राफ का टैग लगा हुआ है जिसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने एक आई डी लगाया है डेमो के नाम से यहाँ से हमारा स्क्रिप्ट स्टार्ट हो रहा है जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं हम यहाँ पे और ये हमने बेसिकली एक एक्सम एल रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो एक्स एच एक वेरिएबल में रखवा लिया इनफैक्ट एक्स एच वेरिएबल जो है अब एक ऑब्जेक्ट पोजेस कर रहा है एक्सम एल एच रिक्वेस्ट का उसके बाद हमने ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन uh, है कि हमने उसकी रेडी स्टेट चेंज के अगेंस्ट एक फंक्शन कॉल किया और हम चेक करें रेडी स्टेट को 4 और स्टेटस को 200। इनफैक्ट ये लाइन ऑफ कोड जो है ये ये मैंशन कर रहा है कि आपका सर्वर रिस्पांस जनरेट करने के लिए अवेलेबल और रेडी है और अगर ये रेडी है तो फिर ये फंक्शन कॉल हो जाए और यहाँ पर आप बेसिकली बुक स्टॉट को लोड करवा रहे हैं और ये गेट मोड में लोड करवा रहे हैं जैसे ये लोड होगा तो आप डॉम में आपकी पूरी एग्जामल बुक स्टॉट एक्सएमएल लोड हो चुकी अब ये माई फंक्शन जो है इसमें आपने एक्स एच डी टी, टी पी जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट था ये पास कर दिया इसने रिस्पॉन्स एक्जाम एल डॉक में भेज दिया तो जो आपने अभी फाइल ओपन की है बुक स्टॉट एक्स बेसिकली वो इस एग्जाम डॉक में लोड हो चुकी है ये उस ट्री को रेफर कर रहा है अब XML doc dot get elements by tag name title उसमें आपने देखा था इस books dot XML में मल्टीपल टाइटल्स के टैग exist कर रहे हैं तो जब हमने लिखा title और square ब्रैकेट में zero इसका मतलब पहले वाला टाइटल तो books के लिहाज से हम देखते हैं तो पहले वाला टाइटल जो है वो everyday Italian और हमने क्या किया कि उसे X में रखवा लिया X dot child नोट zero इसका मतलब इस टाइटल का कि चाइल्ड नोड जो है वो इनफैक्ट ये टेक्स नोड है एवरी डे इटैलियन वो हमने वाई में रखवा लिया अब हम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो तो इनफैक्ट जब हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे हैं तो ये हम अपने करंट डॉक्यूमेंट में सर्च कर रहे हैं और हम सर्च कर रहे हैं कि डेमो के नाम से हमारा कौन सा टैग मौजूद है तो यहाँ पर ये पैराग्राफ का टैग है जिसका आई हमने डेमो दिया हुआ उसकी इनर एस्टीएमल में हम वाई डॉट नोड वैल्यू असाइन करें तो वाई इनफैक्ट हमारा टाइटल की टेक्सट नोड को रेफ़र कर रहा है तो उसकी नोड वैल्यू जो थी एवरीडे इटालियन थी तो हमने इधर एवरीडे इटालियन पेश कर दिया इस स्क्रिप्ट के चलने पर तो अब हम इस फाइल को देखते हैं चला के तो आप देख लें कि एवरीडे इटालियन जो है ये पैराग्राफ के अंदर डिस्प्ले हो गया तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि किस तरह से हमने एक अपनी एक्समल फाइल को प्रोसेस किया और प्रोसेस करके उसकी इनर एशियम में अपडेट कर दिया अभी आपने स्टेमो में देखा कि किस तरह से हमने एक नोड को अपडेट किया और उसकी वैल्यू को हमने जावास्क्रिप्ट के ज़रिए प्रोसेस करके देखा तो होपफुली इसे आपको नोड वैल्यू का जो हमने प्रॉपर्टी को यूज़ किया है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा